नमस्कार दोस्तों, कुक वेगन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाना सीखेंगे मक्के की पापड़ी, जिसे बहुत सारी जगहों पर साजी की पापड़ी भी कहा जाता है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये हमने चूल्हे पर भगोना चढ़ाया है और उसमें हम 7.5 लीटर पानी ले रहे हैं। ये गैस पर भी बनाया जा सकता है, अगर आप कम मात्रा में बना रहे हैं तो गैस पर बना सकते हैं। हम ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं इसलिए हमने चूल्हे पर चढ़ाया है। सबसे पहले हमें इस पानी का उबाल लेना है अच्छी तरह से। तो ये हमने ढक दिया है और हम इसका उबाल आने तक इंतजार करेंगे। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि उबाल अच्छी तरह आया है या नहीं। उबाल आ रहा है। अब हम इसमें जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हमने चुने हैं वो डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 100 ग्राम पापड़ खार, जिसे साजी भी कहा जाता है, और इसे खरीदने का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आप राजस्थान में हैं तो ये दुकानों पर भी आराम से, शॉप्स पर भी मिल जाता है, लेकिन अगर आप बाहर कहीं हैं तो आप इसको नीचे दिए हुए लिंक से भी मंगवा सकते हैं। फिर हमने डाला है इसमें 50 ग्राम नमक, आप इसको स्वाद के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। फिर हमने डाला है इसमें 3 टेबल स्पून जीरा और 3 टेबल स्पून अजवाइन। बहुत ही कम इंग्रीडियंट्स हैं, आराम से आप बना सकते हैं इसको। फिर हम डालेंगे इसमें मिर्ची, जो कि कम तीखी है लेकिन कलर इसका बहुत ही अच्छी तरह से आया है। हमने 5 टेबल स्पून मिर्ची डाली है इसमें। आप इसकी मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं, जैसे आप जिस क्वांटिटी में बनाना चाहें उस हिसाब से बना सकते हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से हिलाएंगे एक बार। तो चलिए इसको हिला लेते हैं एक बार। ये हमने इसको अच्छी तरह से हिला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मक्के का आटा, जो कि हमने 3:1 रेशो में लिया है। जैसे अगर 7.5 लीटर पानी है तो हमने 2.5 किलो आटा लिया है। अगर आप इसको किसी भी भगोने से नापना चाहें तो अगर एक भगोना पानी है तो उसका आधा भगोना ही आपको आटा लेना है, और अगर आप तोल के लेना चाहें तो इसको 3:1 रेशो में आपको तोलना है। तो चलिए हम इसमें आटा मिला देते हैं। आटा मिलाने के लिए आप किसी, अगर आपके घर में और भी सदस्य है तो उनकी भी आप सहायता ले सकते हैं। एक व्यक्ति आटा डाले और एक व्यक्ति को जल्दी जल्दी हिलाना है इसको, ताकि इसमें लम्स ना पड़े। तो चलिए, ये एक साथ आटा डाल दिया है और ये हिला रहे हैं मेरे मम्मी, जो कि हिलाने में बहुत ही एक्सपर्ट है, बहुत ही अच्छी तरह हिलाते हैं इसको। अच्छी तरह हिलाना है इसमें ताकि लम्स ना पड़े, और शुरू में आपको जल्दी जल्दी हिलाना है। कम से कम 10 मिनट तक आपको ये हिलाना पड़ेगा ताकि इसके सारे लम्स अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएंगे और बिल्कुल भी इसमें सूखा आटा नहीं बचेगा। अगर इसमें सूखा आटा बचेगा तो फिर वो जब हम पापड़ी बनाएंगे तो वो सूखा आटा निकल के आएगा और हमारी पापड़ियाँ फट सकती हैं। इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा करके आटा डालते जाना है और जल्दी जल्दी हिलाते जाना है। ये देखिए, अच्छी तरह से हिला रही है मेरी मम्मी, बहुत ही अच्छी तरह से हिलाती है इसको हमेशा से, और काफ़ी सालों से हम बनाते आए हैं। हमने बचपन में बहुत सब बार बनाई और बहुत सी पापड़ियाँ खाई है, और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। ये चाय के साथ सुबह खाइए, शाम को खाइए, जब आपका मन करे इसको आप सेक के खाइए, तल के खाइए, आराम से कभी भी आप इसको खा सकते हैं। ये हमने और अच्छी तरह से हिलाया है। ये किनारों पर थोड़ा सा जो आटा बच गया है वो भी अंदर डाल के और अच्छी तरह से हिला रहे हैं, और ये ज़्यादा मात्रा में है तो इसलिए मेरी मम्मी अकेली इसको नहीं हिला पाएगी, इसलिए हमने हमारे घर के दूसरे सदस्यों पर भी सहायता ली है ताकि वो भी थोड़ा थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से हिला दें। कम से कम 10 मिनट तक आपको हिलाना है ये, ताकि इसके सारे लम्स अच्छी तरह से मिट जाएंगे और ये अच्छी तरह से पूरा नीचे तक हिलाते हुए, नीचे तक चलाते हुए आपको इसको हिलाना है। और आँच अब इस समय आपको बिल्कुल मीडियम स्लो रखनी, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखनी है। अब हम इसको लो फ्लेम पे ही पकाना है। हाई फ्लेम पे रखेंगे तो नीचे से बहुत सारा मक्के का आटा जल जाएगा, जो कि फिर बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ज़्यादा आटा हम नहीं जलाएंगे। इस तरह से ये अब और भी हमारे घर के सदस्य सभी इसको हिलाने में मदद कर रहे हैं मेरी मम्मी की, और इस तरह से ये आटा हिल के तैयार हो जाएगा और हम इसको लो फ्लेम पे ढक के 1 घंटे तक लगभग पकाएंगे, तभी ये अच्छी तरह से पकेगी और हमारी पापड़ियाँ फटेगी नहीं। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनकी पापड़ी फट जाती है, उन्होंने अच्छी तरह से पकाया नहीं होता है। एक्चुअली वो आँच तेज रखते हैं और बहुत जल्दी उसको उतार लेते हैं, इसलिए वो पापड़ियाँ फट जाती हैं।
बाकी हमने तो इसको कई बार रात को भी बनाया है, तब भी हमारी नहीं फटती है, चाहे हम ठंडे फर्श पर डालें, गर्म फर्श पर डालें, हमारी पापड़ियाँ नहीं फटती हैं। तो अब इसको हम ढक के रख देते हैं, और आँच बिल्कुल कम कर दी है हमने, और लगभग 1 घंटा हमने इसको पका लिया है। ये देखिए, हम इसको हिला के देख लेते हैं, अच्छी तरह से पक गया है बहुत ही अच्छी तरह से 1 घंटे के बाद। और अब हम इसको पापड़ी बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए हम इसको उतार लेते हैं, और ये हमने इसको उतार लिया अच्छी तरह से, ध्यान से, गर्म है, थोड़ा केयरफुल रहें आप इसको उतारते वक्त। चलिए अब हमने इस परात में ऑयल लगा लिया है, थोड़ी ग्रीसिंग कर ली है इसकी। अब इसमें हम इसमें चम्मच की सहायता से थोड़ा सा आटा निकाल लेते हैं, डो निकाल लेते हैं थोड़ा सा। और अब हम एक लोटा लेंगे, लोटे को भी हम अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे ताकि वो चिपके नहीं, और इसको अच्छी तरह से हमें मैश करना पड़ेगा। मैश करने से अगर हमारे हिलाते वक्त कुछ लम्स अगर बच भी गए हैं तो वो सारे मिट जाएंगे, इसमें अच्छी तरह से एयर बबल्स आ जाएंगे, तो जब हमारी पापड़ी बनके जो तैयार होगी वो बहुत ही कुरकुरी बनके तैयार होगी। उसको तलने में भी बहुत ही अच्छी लगती है, सेक कर खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए, ऑयल से लगाया तो ये कम चिपक रहा है, थोड़ा बहुत तो चिपकता ही है। हम अच्छी तरह से इसको मैश करके कम से कम आपको 2 से 3 मिनट तक आपको इसको अच्छी तरह से सभी तरफ से मैश करना है। तो चलिए ये हम मैश कर रहे हैं अच्छी तरह से इसको। ये हमारे मेवाड़ में बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत से लोग इसको कई सालों से बना रहे हैं, सब घरों में लगभग बनाया जाता है, और भारत के दूसरे राज्यों में शायद ये नहीं बनाया जाता है। और मारवाड़ की तरफ ये गेहूं के आटे का भी बनाया जाता है, जिसको खींचिया भी कहते हैं। और हमारे मेवाड़ में इसको मक्के के आटे के ही ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, पर ये टेस्टी बहुत लगता है, आप जरूर एक बार इसको ट्राई करें। चलिए हम इसको थोड़े लोटे को चम्मच की सहायता से साफ कर लेते हैं, और अब इसकी हम लोइयां बना के, पापड़ी बना के तैयार करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। ये हमने लोटे को एक तरफ रख दिया है, अब दोनों हाथों में अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया है। अब हम नींबू के आकार के लोए बनाएंगे। ये देखिए, थोड़ा गर्म है इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहें, थोड़ा हाथ जल रहा है। अगर आपके घर में और भी सदस्य हैं तो आप उनकी सहायता ले सकते हैं, एक जना लोया बनाए और एक जना बेल के तैयार करें। और अगर आपके घर में और सदस्य नहीं है हेल्प करने के लिए और आप अकेले हैं, तो आप एक बार के लोए बना के रख लीजिए, फिर बेल लीजिए, और 5 से 7 पापड़ी बेल के, और फिर आराम से सुखाते जाइए और बेलते जाइए। ये प्रोसीजर आपको बार बार करना पड़ेगा। ये लोइयां बन के तैयार हो गई है, अब हम इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसके लिए कुछ प्लास्टिक की भी जरूरत पड़ेगी, जो थोड़े कड़क प्लास्टिक होते हैं, थोड़े मोटे, वो गोल आकार में आप काट लीजिए। ये प्लास्टिक पे हमने ऑयल लगा लिया है, ऑयल लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो चिपक जाएगी सारी पापड़ियां। ये दोनों प्लास्टिक पे लगा लिया है। अब हम बीच में लोई रखेंगे, और हम इसको उल्टा करके, और हल्का सा प्रेशर लगाना है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है आपको, नहीं तो वो चिपक जाएगी, और ज्यादा पतली हो जाएगी तो प्लास्टिक से उखाड़ने में आपको परेशानी आएगी। अच्छा, अब अगर आपके पास, किसी के पास अगर मशीन नहीं है, तो आप इसको 2 चकलों की सहायता से भी बना सकते हैं। इसी तरह से मशीन की जगह नीचे एक चकला रखना है आपको, प्लास्टिक लगाना है, प्लास्टिक पे लोया रखना है, एक प्लास्टिक ऑयल लगा हुआ उल्टा रखना है, और दूसरे चकले से उसको अच्छी तरह से दबा देना है। बहुत ज्यादा प्रेशर ना लगाएं, अगर गर्म लोया है तो बहुत कम प्रेशर में ही बहुत अच्छी पापड़ी बेल बेल के तैयार हो जाएगी। अब ये हम इसको सुखा देते हैं, साड़ी पे सुखा रहे हैं हम, और साड़ी से उठाने में इसको कोई परेशानी नहीं होगी, सूखने के बाद बड़े आराम से उठा सकते हैं ये। और अब आप ये चिपकाते वक्त या फिर इसको सुखाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि प्लास्टिक एक दूसरी पापड़ियों पर चिपक ना न पाए। जब आप प्लास्टिक को उखा लें तो जिस तरफ पापड़ी है उस तरफ से उखा लें, ताकि वो दूसरी पापड़ी को बिगाड़ते हुए ना उखले। ये हमने सारे पापड़ियां सुखा ली हैं, ये देखिए सारी पापड़ियां बन के तैयार है, और 1 दिन के बाद ये आपके सामने हाजिर है, सूखी हुई, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी तरह बनी हुई मक्के की पापड़ी। ये हम आपको इसको सेक के दिखाते हैं। अगर आपके पास इस तरह का एक जाली वाला स्टैंड है तो उस पर आप कम आंच करके, और एक ऐसा जाली वाला स्टैंड खरीद लें,
उस पर बहुत ही अच्छी तरह से सिकती है, ये जलती नहीं है, थोड़ी ऊपर रहती है आँच से। ये देखिए बिल्कुल सेम आँच पे इसको आपको बहुत ही केयरफुल रह के और बहुत जल्दी जल्दी उलटते पुलटते हुए सेकना है ताकि ये जले ना। जली हुई फिर वो टेस्ट में अच्छी नहीं लगती है, इसलिए इसको आपको उलटते पलटते हुए अच्छी तरह से सेक लें सारी तरफ से जल्दी जल्दी। फिर आप इसको चाय के साथ सुबह खाइए, शाम को खाइए, दिन में खाइए, कम भूख में, और बहुत ही हेल्दी है ये। हमने इसमें ऐसे कोई इंग्रेडिएंट हमने इसमें यूज़ नहीं लिया ऐसा जो कि आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाता हो। इसमें अजवाइन डाली है तो बहुत अच्छी तरह से ये पाचन भी इसका बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, और मक्के का आटा है तो ऐसा कोई नुकसानदायक मैदा या ऐसी कोई चीज़ हमने इसमें यूज़ नहीं की है। ये देखिए ये सिक्के तैयार हो गई है, और इसको खाने में आप किसी की भी चटनी के साथ, नींबू की चटनी के साथ, धनिया की चटनी के साथ खाइए, दही के साथ खाइए। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अगर आपको नींबू की चटनी की रेसिपी जाननी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।